छह 200 शेयर करता हूँ आज 2023 का एक अच्छा पैर स्टॉक, जिसको चाहो तो आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो फॉर द स्टडी पर्पस, और 400 स्टॉक को आप बाय भी कर सकते हो। लेकिन बाय करने से पहले प्लीज खुद की एक बार एनालिसिस ऐड करना, नहीं कर सकते मुझे कॉमेंट कर देना, नहीं कर सकते तो फिर सिंपल है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को पक्का अप्लाई करना। चलिए दोस्तों बात करते हैं, आज 11 वाला शेयर आपको मिल रहा है 5,600 रुपए के प्राइस में, तो ये स्टॉक क्या आपको बाय करना चाहिए देख लेते हैं, क्यों आपको स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। कंपनी का नाम क्रिएटिव आई लिमिटेड है, ठीक है। कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हो और चीज की आप जिस तो बिजनेस ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टेलीविजन कॉन्टेंट बनाती है फॉर द दूरदर्शन, राइट। आगे चले के चलता हूँ, जैसे बीएससी में कार्य करता है कंपनी, दोनों में कार्य करती है, साथ में ऑल टाइम लो के आसपास अभी ट्रेड करते हैं, आपको मिल जाएगी। बुक वैल्यू 11 रुपए के आसपास है, प्राइस ऑल टाइम लो ट्रेड कर रहा है, आरओसी नेगेटिव है। साथ में जिस वजह से स्टॉक मुझे अच्छा लगा मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, वो है इसका श्योरिटी पैटर्न। अगर आप स्टॉक का श्योरिटी पैटर्न देखो तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 56% है, तो यही मुझे सबसे बड़ा ट्रिगर करता है कि यार स्टॉक में काफी अच्छी प्रमोटर्स की होल्डिंग है और साथ में बुक वैल्यू भी काफी अच्छी है। तो मैं यही बोलूंगा नजरों पर रखिए, स्टॉक डेफिनेटली काफी अच्छी रिटर्न आपको बना के दे सकता है, तो नजरों में रखिए क्रिएटिव आई शेयर। अब थोड़ा बात करते हैं इसका चार्ट पैटर्न के बारे में, स्टॉक का चार्ट पैटर्न क्या बोलता है। तो चार्ट पैटर्न मुझे जो नजर आता है मैं आपको वो समझा दूं, मुझे ये दिखता है कि स्टॉक यहाँ से एक यू पैटर्न बना सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बॉक्स अब बनाना स्टार्ट कर रहा है, ये रेंज बना रहा है, नीचे रेंज बना रहा है 5 साल की, इसी रेंज में आप स्टॉक को बाय करो, ठीक है। पर यहाँ से ये ऐसे यू टर्न ले सकता है ऊपर की तरफ, राइट। कब लेगा, कितने टाइम में लेगा वो बताना बहुत टफ है, लेकिन लेगा पक्का, ठीक है। ये आराम से यहाँ पर बाल्टी पैटर्न बोल सकते हो, बकेट पैटर्न या फिर यू पैटर्न बोल सकते हो, ये यू पैटर्न का फॉर्मेशन बना रहा है, तो यहाँ से कभी भी ये स्टॉक यू टर्न ले सकता है, नजरों में रखिए। काफी अच्छा पैटर्न है, चार टू ये जो इस रेंज का आप लोग का स्टॉप लगा सकते हो, अराउंड आई थिंक 2-2.5 रुपए के आसपास होगा अगर आप चाहो, ठीक है। बाकी मैं भी सोच रहा हूँ उसको बाय करूँ, लेकिन वही मनी मैनेजमेंट आपको पक्का फॉलो करना है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।